नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को चार समय दूरी में नेक्स्ट अगला पाठ पढ़ाता हूँ दोस्त साथी। तो दोस्तों आज आप हेडिंग बना लीजिए पैदल और सवारी पे आधारित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पैदल बाजार जाता है और सवारी से वापिस आता है तो उसे 50 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता है तो उसे 32 मिनट का समय लगता है। दोनों ओर पैदल यात्रा करे तो उसे कितना समय लगेगा, ये चार ऑप्शन रखा गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपको पैदल या सवारी पे आधारित प्रश्न पढ़ाने से पहले आपको कुछ पॉइंट बताते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये स्थान है और ये स्थान भी है। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ से कोई व्यक्ति जा रहा है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और यहाँ से चल रहा है और यहाँ पे आ रहा है। मान लीजिए दोस्त, ये व्यक्ति यहाँ से इधर आ रहा है पैदल, कैसा आ रहा है दोस्तों, पैदल पैदल आ रहा है। तो पैदल इसकी जो भी चाल होगी, मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और जब व्यक्ति इस वाले पॉइंट बी पे पहुंचा, फिर इधर से ये सवारी करके ए वाले पॉइंट पे जा रहा है, इसका मतलब ये सवारी। अब ये जो व्यक्ति है, ये इधर से क्या किया दोस्तों, सवारी ले लिया। अब मान लीजिए इसकी जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, सवाल क्या कहेगा, एक व्यक्ति इधर से मान लीजिए साइकिल से जाता है और फिर इधर से पैदल जाता है। अब कंडीशन बनाएगा, यदि दोनों तरफ पैदल जाए या दोनों तरफ सवारी से जाए तो कितना समय लेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर दोनों तरफ पैदल जाएगा तो एक बार अगर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 1 किलोमीटर, इसका मतलब 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और लेकिन अगर दो इधर से भी पैदल गया और इधर से भी पैदल गया, इसका मतलब एक तरफ से x गया फिर एक तरफ से x गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x। इस वाले बात को ध्यान रखना, 2x का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से पैदल यात्रा किया है। अगर इसी तरह से हम 2y लिखें, इसका मतलब दोनों तरफ से, 2y का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2y का मतलब ये हो जाएगा कि दोनों तरफ से व्यक्ति क्या किया, सवारी से आया है और गया भी है। तो 2x या 2y जहाँ पे आएगा, आपको ये समझना है दोस्तों साथी कि दोनों तरफ वो पैदल यात्रा किया है या दोनों तरफ साइकिल से यात्रा किया है या सवारी से यात्रा किया है। तो आशा उम्मीद करते हैं दोस्त इतना पॉइंट अब बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब आपके सवाल पे आते हैं दोस्त। अब देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है, व्यक्ति जो है पैदल बाजार गया है, मान लीजिए ये दोस्तों बाजार है और ये व्यक्ति का घर है, ये क्या है दोस्तों, घर। अब देखिए दोस्तों, पैदल जाता है और सवारी से वापिस आता है तो उसे 50 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब मान लीजिए अगर पैदल गया, उसकी चाल वाई थी, एक्स थी, और जब सवारी से गया तो वाई थी। इसका मतलब एक्स और प्लस वाई करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, पैदल गया और सवारी से वापिस आया तो 50 मिनट का समय लगा, तो यहाँ पे 50 रख देंगे दोस्तों साथी, 50 मिनट। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है, यदि वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता है, दोनों ओर क्या करता है दोस्तों, सवारी का प्रयोग करता है, इसका मतलब 2y सवारी का प्रयोग करता है, तब उसे 32 मिनट का समय लगता है, 32 मिनट लगता है, तो 32 लिख देंगे दोस्तों, 32 मिनट। तो सवाल देखिए पूछ कह रहा है, अगर वह दोनों ओर पैदल यात्रा करे तो कितना समय लेगा। अब दोनों ओर व्यक्ति को पैदल जाना है, इसका मतलब मान लीजिए दोस्तों, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करने पर, अगर हम 2 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2x और प्लस 2y, और इधर अगर 2 का गुणा करेंगे तो 100 बन जाएगा, 100 मिनट। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पे, तो देखिए दोस्तों जब घटाएंगे तो ये सिंबल माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये 2y से 2y कट के खत्म हो जाएगा दोस्तों साथी, यहाँ पे बचेगा क्या, -2x, और इधर क्या बचेगा दोस्तों, इसमें से इसको घटा देंगे तो 68, तो -68, माइनस से माइनस करके खत्म हो जाएगा दोस्तों, 2x बराबर क्या मिल गया दोस्तों, 68 मिनट। इसका मतलब अगर व्यक्ति दोनों तरफ पैदल यात्रा करेगा तो उसको 68 मिनट का समय लगेगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अगर आप ऐसे नहीं सवाल को समझ पाते हैं तो Method 2 लगाइए दोस्तों। Method 2 क्या है दोस्तों साथी, Method 2 को आपको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है, जिसमें पैदल या सवारी दोनों तरफ की यात्रा दिया जाए। इसका मतलब एक बार पैदल जाए फिर सवारी से जाए, जिसमें दोनों तरफ की यात्रा दिया जाता है उसका 2 गुना करना है दोस्तों, उसका 2 गुना कर देते हैं। इसका मतलब जिसमें दोनों साइड का दिया जाए, दोनों साइड का मतलब ये नहीं कि दोनों साइड सवारी या पैदल जा रहा है, ऐसा नहीं, जिसमें दोनों दिया जाए, इसका मतलब कहने का मतलब सवारी और पैदल दोनों दिया जाए, पैदल और सवारी दोनों दिया जाए, उसका 2 गुना कर दीजिए।
तो देखिए दोस्तों, पैदल गया और सवारी से वापिस आया तो 100 मिनट लगा, तो इसका 2 गुना कर देंगे, तो 50 का 2 गुना कर देंगे तो 100 मिल जाएगा। माइनस जो सिंगल उसको घटा देंगे, सिंगल का मतलब या तो सवारी से आया या तो सवारी से गया उसको घटा देंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि वह दोनों और सवारी, अब देखिए एक ही चीज दिया है, सवारी भर दिया है, इसका मतलब पैदल और सवारी नहीं दिया है, तो जिसमें दोनों मतलब एक ही चीज दिया उसको घटा देंगे। अब इसमें से 32 घटा देंगे तो 32 माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 68 मिनट। इसका मतलब अगर व्यक्ति दोनों तरफ पैदल यात्रा करेगा तो उसको 68 मिनट का समय लगेगा। या तो आप सवाल Z1 से लगा लीजिए दोस्तों साथी, या तो Z2 से लगा लीजिए। अब आपको जो बेस्ट लगता है दोस्तों उसी तरीके से सवाल लगाइए। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। जब अमन पी से क्यू तक पैदल तथा क्यू से पी तक साइकिल से आता है तो उसे 29 मिनट लगते हैं। यदि दोनों ओर से पैदल चलने पर उसे 49 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों ओर साइकिल पर जाए तो उसे कुल कितना समय लगेगा। ये चार ऑप्शन रखा गया दोस्त साथी। ये सवाल पूछा गया SSC CSL 2018 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप सारी चीजें जान गए हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले पैदल जाता है और साइकिल से वापिस आता है, तो पैदल को x मान लेते हैं, साइकिल को y मान लेते हैं। इसका मतलब x प्लस y का मान कितना दिया गया दोस्तों सवाल के अंदर, 29 मिनट है, तो 29 ले लेंगे दोस्तों, 29 मिनट। आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। यदि वह दोनों ओर पैदल यात्रा करता है, इसका मतलब 2x पैदल यात्रा करता है, तो उसको कितना 49 मिनट लगते हैं, तो 49 मिनट ले लेंगे दोस्तों साथी, 49 मिनट लगते हैं। ये क्वेश्चन नंबर एक हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर दो हो गया। अब क्वेश्चन एक में दो का गुणा करने थे, तो देखिए दोस्तों जब दो का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो 2x प्लस 2y बराबर यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 58 मिनट इतना आ जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब देखिए दोस्तों, इक्वेशन दो और तीन को घटाने पे जब घटाएंगे तब क्या मिल जाएगा दोस्तों साथी, तो देखिए दोस्तों माइनस सिंबल लगा देंगे दोस्तों, तो 2x से ये वाला नंबर कट के खत्म हो जाएगा दोस्तों साथी, तो माइनस 2y बराबर क्या बचेगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस 9, माइनस से माइनस कट के खत्म हो जाएगा, तो 2y बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों, 9 मिनट। इसका मतलब अगर वो दोनों तरफ साइकिल से यात्रा करता है तो उसको 9 मिनट का समय लगता है। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आशा और उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ गए। अगर ऐसे नहीं लगाए तो Z2 लगा लीजिए दोस्तों। Z2 क्या है, इसमें दोनों दिया गया, पैदल सवारी दिया गया, इसका 2 गुना, तो 29 का 2 गुना कर देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 58 मिनट। और जिसमें सिंगल दिया है दोनों तरफ उसको घटा देंगे, तो सिंगल क्या है दोस्तों, यदि वह दोनों पैदल पैदल है तो 49 मिनट को घटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों आपको, 9 मिनट। इसका मतलब अगर वह दोनों साइकिल से यात्रा करेगा तो उसको 9 मिनट का समय लगेगा। या तो आप Z1 से लगाइए या तो 2 से लगाइए, जो आपको बेस्ट लगता है दोस्तों उसी तरीके से सवाल को लगा लीजिए। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों सर। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। जब गोपाल ए से बी पैदल तथा बी से ए साइकिल से आता है तो उसे 46 मिनट लगते हैं। दोनों ओर से पैदल चलने पर उसे 75 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों ओर साइकिल पर जाए तो उसे कुल कितना समय लगेगा। ये चार ऑप्शन दोस्तों साथी। ये सवाल पूछा गया SSC CSL 2018 में। अब देखिए दोस्तों, आपको सारी चीजें पता होगी, पैदल और साइकिल, इसका मतलब x प्लस y का मान क्या दिया गया दोस्तों, पैदल गया तो x किलोमीटर और साइकिल से तो y किलोमीटर, तो उसको टाइम लगता है दोस्तों 46 मिनट, तो 46 मिनट हो गया दोस्तों साथी। ये क्वेश्चन नंबर एक हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर वो दोनों ओर पैदल यात्रा करता है, इसका मतलब 2x बराबर मान कितना दिया, कितना समय लेता है दोस्तों, तो 75 मिनट लेता है, 75 मिनट लेता है। ये इक्वेशन नंबर दो हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इक्वेशन नंबर एक में दो का गुणा करने पर, तो जब दो का गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2x प्लस 2y बराबर यहाँ पे कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 92 मिनट, 92 मिनट। एक क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, थ्री हो गया दोस्तों। अब इक्वेशन दो और तीन को घटाने पर, तो देखिए दोस्तों जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये 2x से ये 2x कट के खत्म हो जाएगा, तो बचेगा का माइनस 2y, और इसमें से इसको घटा देंगे तो बचेगा का माइनस 17, माइनस से माइनस कट के खत्म हो जाएगा दोस्तों, 2y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17। तो कह रहा है कि अगर व्यक्ति दोनों तरफ साइकिल से यात्रा करे तो कितना समय लेगा, अगर दोनों ओर साइकिल से यात्रा करेगा दोस्तों तो उसको 70 मिनट का समय लगेगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए। अगर ऐसे नहीं लगा पाते हैं तो Z2 लगा लीजिए दोस्तों। दोनों इस 46 का 2 गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 92। इसमें से सिंगल वालों को घटा देंगे तो कितना घटाना है दोस्तों, 75 को घटा देना है, तो
तो 75 घटा देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों 17 मिनट। इसका मतलब अगर वो दोनों और साइकिल से यात्रा करेगा तो उसको 17 मिनट का समय लगेगा। आप 1 लगाइए, 2 लगाइए, आपको जो बेस्ट लगता है उसी तरीके से सवाल को लगाइए दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों ओर स्कूटर से जाने में उसे कितना समय लगेगा? ये 4 ऑप्शन दोस्तों, ये सवाल पूछा गया MBA 2006। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन है उसको आप पहले सावधानी पूर्वक पढ़ने की कोशिश करें। तो देखिए दोस्तों, अगर साइकिल से जाता है और स्कूटर से आता है, साइकिल को मान लीजिए x, स्कूटर को मान लेंगे y दोस्तों। इसका मतलब x प्लस y का मान क्या दिया है दोस्तों साथी? 6 घंटे 30 मिनट। तो 6 घंटा कंप्लीट है और 30 मिनट है, तो 30 मिनट लिख देते हैं दोस्तों। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, यदि कह रहा है यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते थे। इसका मतलब पहले इतना समय लगता है, अब 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो घंटे में घंटे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? इसका मतलब साइकिल, साइकिल का मतलब क्या है x, इसका मतलब 2x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 में जोड़ देंगे तो 8 घंटा हो गया कंप्लीट। और देखिए दोस्तों, मिनट को मिनट में जोड़ देंगे तो 30 10 40 मिनट, इतना मिनट हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 में 2 का गुणा करने पे, तो देखिए दोस्तों, जब इक्वेशन 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे मिल जाएगा 2x और प्लस 2y बराबर 2 का गुणा करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो इसमें 2 का तो 12, या तो डायरेक्ट देखिए दोस्तों 12 घंटा लिख देते हैं, और क्योंकि 2 का गुणा कर रहे हैं यहाँ पे कर देंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, 3 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को घटाने पे, जब घटाएंगे तो देखिए दोस्तों, ये माइनस ये कट के खत्म हो जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, -2y बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों? इसमें से इसको घटा देंगे तो -4, और 60 में से 40 को घटा देंगे तो इतना घंटा, और इसको घटा देंगे तो 20 मिनट आ जाएगा दोस्तों। 60 में से 40 को घटा देंगे 20 मिनट, माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों साथी। इसका मतलब दोनों अगर स्कूटर से यात्रा करेगा तो कितना समय लेगा दोस्तों साथी? 4 घंटा तो कंप्लीट लिया है, सारा ऑप्शन घंटे में दिया है। इसका मतलब 20 मिनट को घंटे में चेंज करिए दोस्तों, 20 मिनट है, इसको घंटे में चेंज करना है तो क्या काम हो जाएगा दोस्तों? 20/60 काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? 1/3 घंटा। अगर 20 मिनट को दोस्तों हम घंटे में बदलेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? 1/3 घंटा। 4 घंटा तो ऑलरेडी कंप्लीट लिया था, 1/3 घंटा और लिया है। इसका मतलब व्यक्ति अगर दोनों तरफ से स्कूटर से यात्रा करेगा तो उसको कुल कितना समय लगेगा? 4 से 1/3 घंटा, 4 से 1/3 घंटे में वो दूरी कंप्लीट कर लेगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए। अगर आप ऐसे नहीं लगा पाते हैं तो -2 लगा लीजिए। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। एक व्यक्ति किसी स्थान तक पैदल जाने और रिक्शे से वापिस आने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों ओर रिक्शा का प्रयोग करता है तो वह 2 घंटे बचा लेता है। दोनों ओर पैदल चलने में उसे कितना समय लगेगा? ये 4 ऑप्शन रखा गया है दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया है UPPCS मेंस 2013 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं। तो पैदल और रिक्शा, पैदल को x मानते हैं दोस्तों, इसका मतलब x प्लस y का मान क्या दिया गया है दोस्तों? तो 5 घंटा 45 मिनट। तो 5 घंटा 45 मिनट है, तो 45 मिनट हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर वह यदि वह दोनों रिक्शा का प्रयोग करता है तो 2 घंटे बचा लेता है। इसका मतलब 2y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 घंटे बचा लेगा, इसमें से 2 घंटा घटा देंगे दोस्तों साथी, तो 3 घंटा और 45 मिनट लेगा दोस्तों। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 में 2 का गुणा करने पे, तो जब 2 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? 2x प्लस 2y बराबर, इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 10 घंटा और 45 में अगर गुणा करेंगे तो 90 मिनट, इतना बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को घटाने पे, जब घटाएंगे दोस्तों तो देखिए सिंबल बदल जाएंगे, ये कट के खत्म हो जाएगा। -2x बराबर किया जाएगा दोस्तों, इसमें से इसको घटा देंगे तो -7 घंटा
इसको घटा देंगे तो 45 मिनट, इसका मतलब माइनस से माइनस करके खत्म हो जाएगा। अगर व्यक्ति दोनों तरफ पैदल यात्रा करेगा तो उसको 7 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए। अगर दोस्तों साथी आप ऐसे सवाल को नहीं लगा पाते हैं तो मैट्रिक 2 का प्रयोग कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप प्लीज़ वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए दोस्तों, आपको हम शुरू में ही बताए हैं कि आपको जैसे पढ़ाते हैं दोस्तों कंसेप्ट बाई कंसेप्ट ऐसे ही पढ़ाएंगे। वीडियो थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है दोस्तों साथी, लेकिन आपको पूरा चैप्टर मिलेगा A to Z, मतलब लास्ट पॉइंट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पूरा चैप्टर का सलूशन मिलेगा। आपके पास कोई भी राइटर की किताब होगी दोस्तों, आप उस किताब के अधिक से अधिक सवाल बनाने योग्य होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्त, नेक्स्ट आपसे जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं।